हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है आज की एक और नई वीडियो में। आज के हम लोग बात करेंगे मोटोरोला एच 40 नियो के बारे में। ये रिसेंटली 2023 में सितंबर में लॉन्च हुआ है और इसके बाकी सारे स्पेक्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही कम फोन्स में देखने को मिलता है। प्राइस के बारे में गाइस मैं वीडियो के एंड में बात करूँगा, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं इसके डिस्प्ले और डिज़ाइन से। डिस्प्ले में गाइस इसमें आपको एक पी ओलेड डिस्प्ले टाइप देखने को मिलेगा, 6.5 इंचेस की एक बिग स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। बाकी इसमें आपको 1300 निट्स की ब्राइटनेस मिलेगी विद रिफ्रेश रेट ऑफ 144 हर्ट्ज। HDR 10 प्लस का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी बात करें डिज़ाइन की, तो इसमें आपको प्लेन प्लास्टिक बैक देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको 3 से 4 कलर मिल सकते हैं। वाटर रेजिस्टेंट में इसमें आपको IP68 की रेटिंग मिल जाएगी। 7.7 mm का बहुत ही पतला फ़ोन है और 170 ग्राम्स का बहुत ही हल्के फ़ोन की कैटेगरीज में आता है। बात करें कैमरा सेटअप की, तो इसमें आपको मेन कैमरा में डुअल कैमरा देखने को मिलेगा। पहला कैमरा 50 मेगापिक्सल का है और दूसरा इसमें आपको 30 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। वीडियो रिकॉर्डिंग इसमें आप 4K 30 FPS तक कर सकते हो। बाकी बात करें फ्रंट कैमरा की, उसमें आपको एक सिंगल कैमरा देखने को मिलेगा विद 32 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा। इसमें भी आप 1080p 30 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। बैटरी की बात करें, तो इसमें आपको बैटरी से लेकर ज़्यादा इशू नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh का लिथियम पॉलीमर बैटरी देखने को मिल जाएगा विद 68 वाट टर्बो चार्जर, जो सिर्फ 15 मिनट में 50% चार्ज कर देगा। USB Type-C इसमें आपको देखने को मिलेगा। बात करें स्टोरेज की, तो इसमें आपको 128 GB की नॉन एक्सपेंडेबल स्टोरेज देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस बात करते हैं परफॉर्मेंस और गेमिंग की। इस मोबाइल फ़ोन में आपको डायमेंसिटी 7030 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि एक ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। ये 6 nm पर बेस्ड है, प्लस इसमें आपको 8 GB रैम देखने को मिलेगी LPDDR4X टाइप की। बाकी बात करें इसके एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर अपडेट्स के बारे में, तो ये फ़ोन हाल ही 28-30 सितंबर के आसपास लॉन्च हुआ है 2023 में, तो इसमें आपको एंड्रॉयड वर्जन 15 तक तो मिनिमम अपडेट देखने को मिल जाएंगे। बाकी बात करें अगर इसके नेटवर्क टाइप की, तो इसमें आपको दोनों ही सिम में 5G का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी इसमें आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS, USB कनेक्टिविटी तीनों देखने को मिल जाएंगे। NFC का सपोर्ट इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। मेन बात करें मल्टीमीडिया की, तो इसमें आपको स्पीकर्स, स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलेंगे, लाउड स्पीकर मिल जाएगा। ऑडियो जैक इसमें आपको नहीं मिलेगा, खाली Type-C का आपको इसमें पोर्ट मिलेगा। बाकी इसमें FM रेडियो आप नहीं चला सकते। ऑडियो फीचर्स में इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस का फीचर देखने को मिल जाएगा। सेंसर्स की बात करें, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर ऑन स्क्रीन देखने को मिलेगा। बाकी सेंसर्स जैसे कि लाइट सेंसर, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास और जायरोस्कोपी सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस वाइज, तो इसके सारे इंट्रोड्यूस स्कोर और बेंचमार्क स्कोर आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए अब इसकी ओवरऑल समरी देख लेते हैं कि कैसा फ़ोन या आपको कैसे फीचर्स ऑफर करता है। सबसे पहले गाइज इसके कुछ प्लस पॉइंट देखेंगे। प्लस पॉइंट में गाइज ये फ़ोन अभी हाल ही में ही लॉन्च हुआ है, तो मे बी कुछ बग्स और ऐसे होंगे जो अभी यूज़ करने में पता चलेंगे, तो उससे उसका रिस्क गाइज हमेशा रहेगा। अभी बात करें गाइज इसमें आपको चिपसेट, इसमें आपको डायमेंसिटी 7030 देखने को मिलता है, जिसका इंटूटू स्कोर IS 4.5 टू 5 लाख के आसपास आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छा स्कोर है इस कैटेगरी के रेंज के हिसाब से। प्राइस की बात करें गाइस, प्राइस में आपको मिल जाएगा ये फ़ोन 20,000 में, और अभी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे सेल आने वाली है, शायद आज से 2-3 दिन तक चलेगी, तो आप उस पर भी इस फ़ोन को जाके और 2-3 हज़ार जो है डिस्काउंट पर ले सकते हैं। बाकी बात करें डिज़ाइन की, तो इसमें आपको प्लेन देखने को मिलेगा। डिस्प्ले आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा विद 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। कैमरा इसमें आपको खाली डुअल देखने को मिलेगा। बाकी इसमें आपको स्टोरेज में 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, एक है 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज और दूसरा है 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज। दूसरा 256 GB स्टोरेज वाला गाइस 43,000 का है, जो कि आपको डिस्काउंट होने के बाद 18-20,000 के रेंज में देखने को मिल जाएगा। बाकी सारे फीचर्स गाइस इसके सारे बहुत ही अच्छे हैं, और बाकी मोटोरोला के पहले भी फ़ोन्स आ चुके हैं जो कि इसी प्राइस रेंज में आपको और भी फीचर्स ऑफर करते हैं। तो अगर आप चाहते हो उन भी फ़ोन्स का मैं रिव्यू करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और बाकी मैंने बहुत सारे मोटो
और रेडमी के फ़ोन्स का भी रिव्यू कर रखा है, तो अगर आपको उनसे भी कोई जानकारी पूछनी है वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी और कोई टेक गैजेट्स के लिए अगर आपको पूछना हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बाकी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।